बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है वो है अपोलोनियस थ्योरम, और उसे हम कहते हैं प्रॉपर्टी भी कहते हैं। इस प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत सारे एग्जांपल हम देखेंगे, और बोर्ड एग्जाम में जो भी एग्जांपल आएंगे इस प्रॉपर्टी के ऊपर वो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये अपोलोनियस प्रॉपर्टी किस तरह से अप्लाई की जाती है एग्जाम्पल में, ये हमें देखना है। तो पहले हम क्या कहते हैं, अपोलोनियस प्रॉपर्टी एग्जाम्पल हम लेंगे उसके रिलेटेड, जो भी एग्जाम्पल है उस प्रॉपर्टी के। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखेंगे। यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल है, सपोज कीजिए ये ट्राइंगल बना लेंगे। इस ट्राइंगल को हम नेम देंगे ए बी और सी। ए डी ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल आप ले सकते हो। यहाँ पे मैंने ट्राइंगल लिया है ए बी और सी। एपोलोनियस प्रॉपर्टी हम कब यूज कर सकते हैं, जब किसी भी ट्राइंगल में मेडियन हो तो हमें अपोलोनियस की प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो मेडियन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं, यहाँ पे देखो ये मिड पॉइंट, सपोज डी मिड पॉइंट है। तो ए वर्टिक्स से डी में एक लाइन हमने ड्रॉ की। अभी देखो एडी ए मेडियन है। अभी जब भी मेडियन होगी कोई भी ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में मेडियन रहेगी तो उसमें हम अपोलोनियस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। किस तरह से अपोलोनियस प्रॉपर्टी है ये देखना है। तो देखो ये मेडियन बनी है, एडी मेडियन है। अभी ये मेडियन कौन से दो सेगमेंट से बनी है, कहां से आई है, वर्टिक्स ए बी के मेडियन है। तो ये वर्टिक्स से यहाँ पे इस साइड है, ये साइड है पहले, और ये दोनों साइड, दोनों साइड के बीच में से आती है। तो जो दो साइड से उनका हमें स्क्वायर करना है। पहला साइड है इसका स्क्वायर करो, दूसरा साइड है एसी उसका भी स्क्वायर। तो पहले आपको ये ध्यान में लेना है कौन से दो साइड में ये मेडियन बनती है। ये मेडियन है एडी, ये कौन से साइड में बनी है, तो इस साइड में एबी, इस साइड में एसी। तो एबी का स्क्वायर करो, एसी का स्क्वायर करो। इसके बाद आपको लिखना है इज इक्वल टू, अभी क्या करना है सुनो, टू जो मेडियन है ना उसका स्क्वायर करना है। कौन मेडियन है यहाँ पे, एडी, तो इसका स्क्वायर करो 2AD स्क्वायर प्लस। उसके बाद फिर हमें 2 लेना है, और कोई भी बेस की जो लाइन है ना उसमें कोई भी आधी लाइन लेनी, पूरी नहीं लेनी। ये पूरी लाइन डीसी, ये हमें लेनी है इसमें से कोई भी आधी। अब डीसी भी ले सकते हैं और BD भी ले सकते हैं। तो भाई एक ही साइड लूंगा, ये लेफ्ट साइड की BD, तो 2BD स्क्वायर। तो इस तरह से अपोलोनियस प्रॉपर्टी को ट्राइंगल के भीतर अप्लाई की जाती है। और एक एग्जांपल देखेंगे हम, ये भी ऐसा है। ये देखो थोड़ा ये राइट एंगल ट्राइंगल बना लेंगे हम। अभी राइट एंगल ट्राइंगल में भी ये प्रॉपर्टी हम किस तरह से यूज करेंगे, इसका नाम देंगे हम पी क्यू आर। और यहाँ पे हम देखो कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल, इसका मतलब है पाइथागोरस। लेकिन जब इस ट्राइंगल में कोई भी मेडियन होगी, ये देखो ये मेडियन है, एस इज अ मिड पॉइंट, सो पीएस इज अ मेडियन। जब इस ट्राइंगल में, किसी भी ट्राइंगल में जब मेडियन रहेगी तो हमें प्रॉपर्टी यूज करनी अपोलोनियस। तो यहाँ पे आपको मेडियन ढूंढनी है, पहले कौन सी मेडियन है, ये देखो पीएस ये मेडियन है। तो अभी आपको देखना है कौन से टू साइड से ये बनी है। तो पीएस इसके इस साइड में है, साइड और इस बाजू में है, तो इस साइड का स्क्वायर करो, फिर पीआर स्क्वायर प्लस। उसके बाद इस साइड का भी स्क्वायर करो, पीक्यू। तो मेडियन जिस दो साइड से बनी होती है उनका स्क्वायर करो, पीआर स्क्वायर पीक्यू स्क्वायर। उसके बाद आपको इज इक्वल टू राइट करना है। अभी क्या करना है, जो मेडियन है ना उसका स्क्वायर करो, लेकिन आपको टू लेना है। उसके बाद मेडियन का स्क्वायर ये से उसका स्क्वायर करो प्लस आधा ही भाग ले रहा है, आपको यहां से ले रहे हो यहां से ले रहे हो कुछ भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं भाई। यहां पे लेता क्यू एस स्क्वायर, लेकिन यहां पे भी हमें टू लेना है। तो इस तरह से किसी भी एग्जांपल में हम इस प्रॉपर्टी को अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम इसके ऊपर बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे किस तरह से एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं।
तो अभी ये एग्जाम्पल हमें सॉल्व करना है, तो देखो अब किस तरह से इस एग्जाम्पल को सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी पहले तो आपको एग्जाम्पल को रीड करना होगा, इन ट्राइंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट, एस ये मिड पॉइंट है, ऑफ साइड क्यू आर, इस क्यू आर साइड का एस मिड पॉइंट है, ये पी क्यू इज इक्वल टू 11, उसके बाद पी आर इज इक्वल टू 17, उसके बाद पी एस हमें देके रखी है 30, और फाइंड के लिए बोले हैं क्यू आर हमें फाइंड करना है। तो पहले क्या करना है हमें, अभी देखना है इस ट्रायंगल में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज होगा। तो देखो एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, उसमें एस मिड पॉइंट है, इसका मतलब पी एस है मीडियन है। जब भी किसी भी ट्रायंगल में मीडियन रहेगी तो एक ही प्रॉपर्टी का यूज होता है, वो प्रॉपर्टी है अपोलोनियस थ्योरम। तो यहाँ पे एस मिड पॉइंट देके रखा है, इसका मतलब ये देखो ये पी एस है, ये मीडियन है। अभी इस एग्जाम्पल को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो हम लिखेंगे कोई भी एग्जाम्पल हो आप नवीन मत फॉलो करो, किसी के नोट्स भी मत फॉलो करो, आप अपनी खुद की नोट्स बनाना है, हमें खुद की मेथड से एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, ये बोर्ड में बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे देखो हमें लिखना है गिवन, हमें क्या क्या देके रखा है ये यहाँ से लिखना है। तो आप किसकी वैल्यू देके रखी है, यहाँ पे देखो पी क्यू, पी क्यू की वैल्यू 11 देके रखी है, पी आर, पी आर की वैल्यू 17 देके रखी है, उसके बाद देखो पी एस, पी एस की वैल्यू आप 13 देके रखी है। तो एग्जाम्पल में जिसकी भी वैल्यू देके रखी है वो गिवन में है। अभी सेकेंड है टू फाइंड, हमें इस एग्जाम्पल में क्या ढूंढना है ये भी आपने देखे रखा है, फाइंड क्यू आर। तो हमें क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी, वो लिखो, उसके बाद हम एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। जल्दी में एग्जाम्पल सॉल्व करना नहीं है, देखो पहले उसके ऊपर क्या देखे रखा है, ये डायग्राम देखना है, और डायग्राम के ऊपर हमें पहले लिखते हैं किसके डायग्राम है, यहाँ पे भी देखे रखा है इन ट्राइंगल, क्या नाम है उसका, पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट, पॉइंट एस एंड मिड पॉइंट है, ऑफ साइड कौन सी साइड है, क्यू आर, ये देखो अभी आपको लिखना है, आपकी मेथड लिखनी है, पॉइंट एस ए मिड पॉइंट है, इसका मतलब पी एस ए मीडियन, देयरफॉर पीएस सेगमेंट पीएस इज अ मीडियन, सेगमेंट पीएस पीएस इज अ मीडियन, ये मीडियन है किसकी, मीडियन है ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ये देखो हमने क्या देख रखा था, उन्होंने एस इज द मिड पॉइंट, एस मिड पॉइंट है, इसका मतलब पीएस ए मीडियन होगी, किसकी मीडियन है, ये ट्रायंगल की मीडियन है पीक्यूआर, इस ट्रायंगल की ओमेडियन है, ठीक है। अभी देखो हमें क्या देखिए रखा है, जब भी किसी भी ट्रायंगल में मीडियन होगी तो इसका मतलब है उस ट्रायंगल में हमें एक ही प्रॉपर्टी यूज करनी, कोई अपोलोनियस प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे यहां पर पीएस मीडियन, देयरफॉर बाय यूजिंग अपोलोनियस। तो ये प्रॉपर्टी हम किस तरह से यूज करते हैं वो हमें लिखना है, अभी मैंने आपको बताया था ये मीडियन जो है वो कौन से दो साइड से बनी है, ये मीडियन देखो ये या एक साइड है या एक साइड, उनका स्क्वायर करना है तो इस साइड का स्क्वायर करो क्यू स्क्वायर प्लस उस साइड का भी स्क्वायर करो यार स्क्वायर, उसके बाद इज इक्वल टू लिखना है, और जो मीडियन है वो ले लिए लेकिन हमें टोटल वो ले लो, तो मीडियन कौन से पीएस उसका स्क्वायर करो, फिर एक बार टू ले लो, अभी आधा पॉइंट लेना है ये भी ले सकते हो ये भी ले सकते हो, ये ले एक ही अपोलोनियस प्रॉपर्टी हमने यूज की। अभी क्वीन की वैल्यू पता करो पी क्यू की वैल्यू कितनी 11 इसका स्क्वायर करो, पी आर की वैल्यू भी देखे रखी है 17 उसका भी स्क्वायर करो, पी एस की वैल्यू भी देखे रखी है 13 लेकिन यहाँ पे 2 है उसके बाद पी एस की वैल्यू लिखो 13 है उसका स्क्वायर इसके लिए स्क्वायर करो, आगे टू क्यू एस की वैल्यू हमें यहाँ पे लिए है और लिखो जैसे।
अभी इनकी वैल्यूज हमें लेनी है, तो यहाँ पे हमें 11 देखते रहता है, उनकी वैल्यू हमें लेनी है, तो आप इस साइड में लेंगे अब। तो देखो अभी 11 की वैल्यू कितनी है, 121 प्लस 17 का स्क्वायर कितना है, 289 है। उसके बाद 2 इनटू 13 का स्क्वायर कितना है, ये आपको मालूम है, 169 प्लस 2 क्यू एस स्क्वायर। अभी इन दोनों की एडिशन करनी है, 289 121। अभी एडिशन हमें करनी है तो किस तरह से करते हैं, देखो 9 1 10, तो इनकी एडिशन होगी 410, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है 169 इनटू 2, 2 9 18, 2 6 12, 2 1 2 एंड 1 3, 3 8 प्लस 2 QI स्क्वायर। तो अभी देखो अभी जिनकी वैल्यू निकालनी हो वहां पे रखना है, ये इसके वैल्यू निकालनी, ये यहाँ पे आप रखो, अकेला ही रखो, उसके बाजू में किसी को भी नहीं रखना है, इसकी वैल्यू निकालनी, तो ये यहाँ पे, ये इसके साइड में, इसको यहाँ पे लेके आओ, ये प्लस है, यहाँ पे आने के बाद माइनस होगा। अभी देखो 2 QY स्क्वायर 410 में से 338 को माइनस करना है, तो यहाँ पे देखो 0 में से 1 तो माइनस नहीं होते, तो इंडेक्स लेके रखा हमने 1, तो 10 में से 1। अभी यहाँ पे बचे 11 में से 4 7 0, तो यहाँ पे बचेंगे 72। ये 2 QS को ही रखेंगे हम, ये 2 मल्टीप्लाइड है, इसमें यहाँ पे आने के बाद डिवाइड होगा 72/2, तो इनका आंसर आएगा 36। अभी हमें क्यूए स्क्वायर नहीं निकालना है, सिर्फ क्यूए चाहिए, तो क्यूएस देयरफॉर बाय टेकिंग हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। अभी हमने स्क्वायर रूट, तो 36 किसका स्क्वायर है, 6 का, और यहाँ पे बचेगा क्यूएस, तो क्यूएस की वैल्यू हमें कितनी मिली, 6। सिर्फ आपको यहाँ पे वैल्यूज पुट अप करने होंगे, ये प्रॉपर्टी हमने लिखी, उसमें वैल्यूज पुट अप किए, 11 का स्क्वायर 121, 17 का स्क्वायर 289 है, उसके बाद मैंने 2 लिखा, 13 का स्क्वायर 169 है, उसके बाद क्यों ऐसे, वो हमें हमने यहाँ पे वैल्यू उसकी बताई। तो अभी देखो क्यूएस की वैल्यू हमें मिली 6, हमें निकालना क्या है, क्या फाइंड करना है, क्यूआर फाइंड करना है। तो ये देखो अभी यहाँ पे एक वो क्यूआर की तरह देखो क्यू एस आर आर, तो क्यूएस है ना, क्यूएस ये आधा ही है, अभी क्यूएस फाइंड होता तो निकालने की जरूरत नहीं थी, अभी क्यूआर फाइंड करने के लिए बोला, ये पूरा क्या पूरा बोला है, तो ये दो मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। नाउ क्यूएस, ये क्यूएस है ना, ये आधा पार्ट है, किसका आधा है, क्यूएस की वैल्यू कितनी देखी रखी है, 6 वन आप इनटू क्यूआर, ये तो डिवाइड है, यहाँ पे आने के बाद मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे ये अकेला बचेगा क्यूआर, 6 इनटू 2, 6 इनटू 2 12, सो क्यूआर की वैल्यू मिलेगी हमें 12 यूनिट्स। तो इस तरह से हम एग्जांपल को सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या कर रहे हैं, इसे प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, पहले गिवन लिखो, उसके बाद टू फाइंड लिखो, उसके बाद सॉल्यूशन करके आपको वैल्यूज पुट अप करनी है, तो इसके आंसर आपको आसानी से मिल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में लेना है, यहाँ अनदर एग्जांपल हम देखें। तो देखो बच्चों अभी हम सॉल्व करेंगे एग्जांपल नंबर सेकंड, और ये डायग्राम आपको ऑब्जर्व करनी है, और इस डायग्राम में कौन सी प्रॉपर्टी का यूज किया है ये आपको डिसाइड करना है। तो देखो ये डायग्राम है, इस डायग्राम में डी इज द मिड पॉइंट, इसका मतलब डीसी इज अ मेडियन। तो जब भी किसी भी ट्रायंगल में मेडियन दी होती है तो उसका मतलब होता है उस ट्रायंगल में जो प्रॉपर्टी यूज की है वो प्रॉपर्टी है अपोलोनियस थ्योरम। तो अभी देखो पहले हम गिवन लिखेंगे, तो गिवन में हमें क्या लिखना है, किस किस की वैल्यू यहाँ पे हमें देखे रखी है वो लिखना है गिवन में। तो देखो अभी किसकी वैल्यू हमें देखी रखी है, AB, AB की वैल्यू देखी रखी है 10, उसके बाद AC, AC की वैल्यू है 7,
उसके बाद बीसी, बीसी की वैल्यू नहीं। तो सेकंड हम क्या लिखते हैं टू फाइंड, अभी क्या ढूंढना है इस एग्जांपल में, टू फाइंड क्या फाइंड करेंगे, फाइंड द लेंथ ऑफ मीडियम, अभी मीडियम की लेंथ को फाइंड करना है, ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट सी टू साइड ए बी। तो यहाँ पे मीडियम कौन सी है, तो देखो यहाँ पे मीडियम कौन सी है, उसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो ये डी मिड पॉइंट है, इसका मतलब है मीडियम। क्या नाम है उस मीडियम का, डीसी। तो हमें क्या फाइंड करनी है, डीसी। उसके बाद सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में इस डायग्राम में हमें जो भी देख के रखा है वो पहले लिखना है। तो यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं, इसके ऊपर भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो, इन ट्राइंगल ए बी सी, अभी देखो ट्राइंगल ए बी सी देख के रखा है, कौन सी मीडियम है, सेगमेंट डी सी इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो देखो पहले तो हमें लिखना है एक ट्राइंगल, क्या नाम है उसका, ए ट्राइंगल ए बी सी। उसके बाद क्या लिखना है, उसमें एक मीडियन है वो लिखो, डी सी इज अ मीडियन। अभी देखो डीसी मीडियन है, इसका मतलब हमें कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करना है, अपोलोनियस। लेकिन आपको फिर एक बार एग्जांपल के ऊपर जाना है। तो देखो अपोलोनियस में ए साइड होती है, ए साइड होती है, मीडियन का भी रहती है, और इसमें से कोई भी पूरी साइड नहीं हम लेते, कोई भी आधी साइड लेते हैं। तो ये पूरी साइड जो ए बी है और टेन देके रखी है, अभी पूरी नहीं चाहिए, अभी सिर्फ आधी चाहिए, तो आप कोई भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे बी डी की वैल्यू निकाल लेता हूँ, BD is equal to, ये BD है ना, ये देखो यहाँ पे A, B ये पूरी साइड है, बीच में भी है, इसका मतलब ये जो BD है ना, ये पार्ट BD is one of, आधा पार्ट है, किसका आधा पार्ट है BD, पूरी सेगमेंट कौन है, AB। यहाँ पे देखो one of into AB, AB पूरी साइड कितनी है, 10, 2 5 are 10, so BD is equal to। तो पिछले पहले गणित एग्जांपल में हमने देखा था, हमें कुछ फाइंड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इस एग्जांपल में उस उन्होंने हमें पूरी ए बी साइड देके रखी है, हमें पूरी साइड की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आधी चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही आधी साइड निकाली। आप एडी भी निकाल सकते हो या बीडी भी, मैंने बीडी निकाली, बीडी इज इक्वल टू वन ऑफ एबी, बीडी ये आधा भाग है एबी का, ऐसा लिखा, एबी की वैल्यू थी 10, अभी 2 5 are 10, so BD is equal to 5, तो BD की वैल्यू निकली 5। अभी ये आपको मीडियन लेके रखी है, इसका मतलब इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रॉपर्टी का यूज करना है, वो प्रॉपर्टी कौन से, अपोलोनियस थ्योरम, बाय यूजिंग अपोलोनियस। अभी हम अपोलोनियस थ्योरम का यूज करेंगे, क्या है अपोलोनियस थ्योरम, जो मीडियन जो बनती है, यहाँ पे तो कई मीडियन है, डीसी है मीडियन, ये जो मीडियन जो बनती है वो टू साइड से बनती है, तो ये वर्टेक्स है सी, तो यहाँ पे ये बाजू है और इस साइड में आए, इन दोनों साइड के हमें स्क्वायर करके एडिशन करनी है। तो ये देखो ये पहली साइड कौन सी, ए सी स्क्वायर प्लस इस बाजू बाजू का आप लिखेंगे बी सी स्क्वायर, उसके बाद क्या लिख रहे हैं हमें, इज इक्वल टू, और टू लेके जो मीडियन दी है उसका स्क्वायर करना है, मीडियन कौन सी, बी सी, फिर एक बार टू लेके जो आधी साइड हमने निकाली उसका स्क्वायर करना है, कोई भी ले सकते हो, बीडी निकाली तो बीडी टू बीडी स्क्वायर, ये आप बोलो नहीं है स्क्वायर, कैसा, जो मीडियन बनी हुई है डीसी वो किससे बनी है, ये दो बाजू है, एक एसी है और एक बीसी, इनके बीच में हो, दो बाजूओं का स्क्वायर कीजिए, एसी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर, उसके बाद इज इक्वल टू लिखो और टू लेके उस मीडियन का स्क्वायर करो, मीडियन है डीसी, और उसके बाद कोई भी आधा भाग ले लो। तो अभी हम वैल्यू पुट अप करेंगे, एसी, एसी की वैल्यू कितनी है, 7, तो आपको पहले 7 का स्क्वायर करना पड़ेगा प्लस उसके बाद बीसी, बीसी की वैल्यू कितनी है, 9, 9 का स्क्वायर करेंगे 2 इंटू, उसके बाद डीसी, डीसी का हमें फाइंड करना है, डीसी स्क्वायर प्लस 2 इंटू, उसके बाद बीडी, बीडी की वैल्यू हमने निकाली थी 5, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, उसके बाद 9 का 81, 2
डीसी स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, अभी 49 प्लस 81 करेंगे 0, 130 मिलेंगे। कितने मिलेंगे हमें? 130 मिलेंगे इनका। तो इन दोनों का एडिशन 130, उसके बाद डीसी स्क्वायर प्लस 25 इंटू 2 50 हो गए। तो अभी ये डीसी निकालना है, तो यहाँ पे डीसी स्क्वायर इक्वल टू डीसी स्क्वायर, उसके साथ में कोई भी नहीं रखना, ये प्लस है, यहाँ पे आने के बाद माइनस हो गया 130 माइनस 50। अभी 130 में से 50 गए, कितने बचे? 80 बचे 2DC स्क्वायर। अभी अभी डीसी को निकालना है, तो डीसी स्क्वायर का स्क्वायर किया मैंने, अभी 2 मल्टीप्लाइड है, ये यहाँ पे मल्टीप्लाइड है, यहाँ पे आने के बाद डिवाइड हो गए। तो यहाँ पे देखो 80 अपॉन 2 4 2 0, सो मेरे को डीसी मिलेंगे 40 डीसी स्क्वायर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। अभी इनका स्क्वायर रूट निकालना है, मुझे डीसी नहीं चाहिए, डीसी स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ डीसी चाहिए। डीसी इज इक्वल टू इन स्क्वायर रूट 40। अभी आपको क्या करना है, एक तो आपको स्क्वायर की जो वैल्यूज है 4 9 25 30 इनमें इनसे ही डिवाइड करना है इसको। तो किससे 40 को किससे डिवाइड हो सकता है? 9 से भी नहीं, 25 से भी नहीं, और 34 से हो सकता है, 4 × 10 40। अभी 4 किसका स्क्वायर है उसको बाहर निकालो, 2 का स्क्वायर है उसको बाहर निकालो, अंदर बचा 10। सो डीसी इज इक्वल टू 2√10। तो हमें क्या फाइंड करना था? डीसी को, डीसी की वैल्यू मिली 2√10। तो इस तरह से सेकेंड एग्जाम्पल को हम सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आपको अभी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो एग्जाम्पल किस तरह से हमने सॉल्व किया था ये आपको पता चल गया है। आपको जब इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखो इस तरह से हमें एग्जाम्पल है ये सॉल्व करना, तो बहुत आसानी, सिर्फ आपको ध्यान में रखना है जो मीडियन बनी हुई होती है ना, उसके दो बाजू का स्क्वायर करना, एडिशन करके इज इक्वल टू उस मीडियन को लेके उसका भी स्क्वायर करने का, लेकिन टू लेने का है, उसके बाद कोई भी आधा पार्ट लेने का है। कुछ एग्जांपल में पूरा पार्ट दिया होता है लेकिन हमें पूरे पार्ट की जरूरत नहीं, आधा पार्ट है, और जब भी एग्जांपल में आधा पार्ट दिया होगा तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। तो सिर्फ वैल्यू आपको यहाँ पे पुट अप करनी है, 749 9 का 81, उसके बाद 50 2 DC square 130, ये प्लस है, यहाँ पे आने के बाद माइनस हो गए तो 80 हो गए, 2 मल्टीप्लाइड यहाँ पे आने के बाद डिवाइड हो गए तो क्या आंसर मिलेगा? 40 किसी का स्क्वायर है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, डीसी इज इक्वल टू रूट 40, और इसका 4 से डिवाइड, स्क्वायर स्क्वायर जो नंबर्स होते हैं उसे डिवाइड करना है, 4 से मैंने किया 4 × 10 40, 42 का स्क्वायर है, उसको बाहर निकाला, अंदर बचे √10। तो इस तरह से हमें एग्जाम्पल को भी सॉल्व करना है।